राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील ब्लॉक जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम हैं आपकी आवाज। पन्ना जिले के ककरहट्टी नगर के वार्ड नंबर 13 के निवासी 20 वर्ष की महिला 14 जनवरी को शौच क्रिया करने 1 बजे दिन के लगभग पावर हाउस के पास खेत में गई थी। तभी मनचला अर्जुन पिता दीनदयाल कोरी वहीं खेत में बुरी नीयत से छिपा था। जैसे ही महिला शौच को गई थी, अर्जुन ने उसका हाथ जोर से पकड़कर अपनी ओर खींचा और जोर जबरदस्ती करने लगा। अर्जुन की बुरी मंशा देख पीड़ित महिला जोर जोर से चिल्लाई, तब वहीं नाला पार के पास खड़ी कमला पाल को चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो उसने भी जोर से चिल्लाने लगी और कमला बाई की आवाज सुनकर मजनू अर्जुन कोरी मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़ित महिला ने घर आके अपने परिजनों को बताकर उनके साथ अर्जुन कोरी के खिलाफ जोर जबरदस्ती करने की चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी प्रभारी PSI जय सोनी ने धारा 354 508 PSI के तहत मामला पंजीकृत कर सरफिरे मुलजिम अर्जुन की तलाश जारी कर दी। आपके साथ कैसी क्या घटना हुई, कहां हुई और ये पावर हाउस के वहाँ? अच्छा, पावर हाउस के पास क्या करने गई थी आप? सांच के लिए गए थे। क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर हम लौट के आ रहे थे वहाँ से तो फिर? फिर वहाँ जो लड़का खड़ा तो इसने पकड़ लिया हमको और एक हाथ से घीस पकड़ लिया, एक हाथ से मुँह दबा ला, हम चिल्ला रहे थे। फिर उसके बाद? फिर उसके बाद उसने पटक दिया वहाँ, फिर हम फिर चिल्लाने वहाँ से वो गड़ाने ने चिल्ला से फिर भागदा नरवा छोड़ के। क्या नाम उस लड़के का? अर्जुन कोरी। बचाने कौन आया आपको? कमला भाई। आपने थाने में रिपोर्ट डलाई है इसकी? हाँ डलवाई है। किसी मनचले से कारण परेशान होकर आपके पास आई रिपोर्ट करने, तो क्या घटना घटी है उसके साथ? एक महिला आई थी हमें मेरे पास रिपोर्ट करने, उसके अकॉर्डिंग वो शौच क्रिया करने के लिए ग्वाल घाट नाला के पास पावर हाउस के पास वो शौच क्रिया करने गई। जब वहाँ से लौट रही थी तो एक लड़का जिसका नाम अर्जुन कोरी है वो उसने उसका रास्ता रोका बुरी नीयत से और उसने उसका हाथ पकड़ा और उसको मतलब लपेट लिया अपने उसमें। फिर एक कुछ ही दूरी पर एक महिला खड़ी थी, उसने उसकी आवाज़ सुनी कि मतलब वो कुछ मतलब अलग टाइप का दिख रहा था उसको, तो उसने उसको रोका, उसने चिल्लाया मतलब। फिर इसके बाद वो जैसे उसको चिल्लाई तो वो लड़का भाग गया। फिर वो महिला से मिली, उसने उसको पूरी घटना बताई और बस फिर वो महिला उसको अपने घर लेके गई। तो क्या वो अभी तक पकड़ा गया या नहीं? नहीं अभी तो वो पकड़ा नहीं गया है, लेकिन जैसे ही पकड़ा जाएगा तो मतलब उसके खिलाफ कौन क्या कार्रवाई की? उसके खिलाफ धारा 354 506 ताजी रात हिंदी का मुकदमा कायम कर विवेचना में लिया गया। सौरभ तिवारी, समय जगत, ककरहट्टी, जिला पन्ना। पर समय जगत एक संदेश पूरा देश।